हलवा खाने के मारे बैठे हैं, हम हलवा खावा ना खावा हम लड्डू खावा है। और लड्डू खाने का टाइम दिया मालिक ने मरता है, क्योंकि उन्होंने कहा था 200 करोड़ में टिकट मिल जाया करे, वह 200 करोड़ भी गए और टिकट भी गई, मिलने की खुशी में भी और कटने की खुशी में भी। जिसको जो सा मामला फिट बैठता उन्हें उसे हिसाब तक खा लो लड्डू। पहली बार हमने टिकट काटने वालों का रास्ता पता कर लिया कि जो गद्दार है, जो दल बदलू है, जो हमारे कौम के गद्दार है, उन लोगों की टिकट कहाँ से काटी जाती है। चैना के धरने के जो लोग हैं इनकी भी उस रास्ता का बेरा पट गया है, टिकट मिला कटा था या कटा कटा था। हमारा जो पूरा समर्थन है वो इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जयप्रकाश। आज के बाद बांगर का शेर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जब किसी इलाके के नेता को टिकट मिलता है या वो कोई सफलता हासिल करता है तो उसके लड्डू बांटते और खाते हुए आपको बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक नेता की टिकट कटने के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में लड्डू बांटकर और खाकर किस प्रकार लोग खुशी मना रहे हैं। तो कौन से वो नेता है जिनकी टिकट कटने पर यह खुशी मनाई जा रही है, और उनकी टिकट कटने पर इन लोगों को क्या खुशी है और इनको क्या फ़ायदा है, तो पूरी वो तमाम बातें इन लोगों से करेंगे कि क्यों टिकट कटने पर ऐसी खुशी मनाई गई और उस नेता से इनकी क्या नाराज़गी है, या उस नेता में ही कुछ ऐसी बात है जिस कारण जो ये लोग हैं ये खुशी मनाने के लिए मजबूर हैं, और क्या सोचते हैं उस नेता को लेकर, क्या उस नेता में ऐसी खूबी है कि उसकी टिकट कटवाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे इन्हें सफलता मिली, या फिर उस नेता में जो हाई कमान है उसने ही कुछ और बात देखी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की खुशी है। तो तमाम बातों को लेकर सवाल जवाब भी करेंगे, और आप कमेंट में बताएं कि कितनी जायज़ है लोगों की ये बात जो किसी नेता के टिकट कटने पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। और नेता कोई छोटे नहीं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो बात करते हैं किसानों से, उन किसान मजदूरों की है जो लगातार 4-5 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी जीत है उचाणा धरना की, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ उठी थी, यहाँ से जो किसान गए थे, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली है उसका एक ही मकसद था कि बीजेपी को हराना, और यदि बीजेपी को हराना है तो किसको जिताना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। और हिसार के अंदर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको हम सपोर्ट कर सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिस बंदे का नाम चल रहा था वो हमारे एरिए से आता था, पर उसकी कमी ये थी कि उसने हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, काले कानूनों के ऊपर साइन करने का काम किया, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसको हम वोट नहीं दे सकते थे। तो इंडिया गठबंधन से जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमारी सक्सेस हुई, और सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा का हम और उचाणा का जो संयुक्त मोर्चा है खासकर, और जो हिसार का संयुक्त मोर्चा, उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार अपनी बाइट दी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और लगातार इसके ऊपर अपनी, मतलब ये कह सकते हैं कि ताकत डालने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि 5 आदमी बैठे हैं ये कुछ नहीं करते, ये हलवा खाने वाले लोग हैं, ये लड्डू खाने वाले लोग हैं, तो लड्डू खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने मौका मिला पहली बार। और हमारे दादाजी का एक और था, वो कहता था कि मुझे ना टिकट का पता है, टिकट किस तरीके से मिलती है और कहाँ से मिलती है। तो अब हमने, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि राजनीति को रणनीति से मारिए, तो अब पहली बार हमने टिकट काटने वालों का रास्ता पता कर लिया कि जो गद्दार है, जो दल बदलू है, जो हमारे कौम के गद्दार है, उन लोगों की टिकट कहाँ से काटी जाती है, क्योंकि राजनीति को रणनीति से मारना है। उन्होंने टिकट लेने का तरीका पता था, हमने टिकट कटाने का तरीका पता कर लिया, ताकि इस समस्या का समाधान हो, कि लगातार रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लगातार एक तानाशाही जो लगातार इस देश के अंदर हो रहे थे, उस तानाशाही को तोड़ने के लिए, ये नहीं कई बार कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेसी है, ये तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन का साथ देना। तो आपको नहीं लगता कि बात बताओ, यदि हाई कमान किसानों की नहीं सुनता तो वोट किसको देते? हम नहीं देते, चाहे हमें, मतलब अपना निर्दलीय कैंडिडेट लेके आना पड़ता, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, हमने कागज तक तैयार कर रखे थे, हम निर्दलीय कैंडिडेट हिसार से उतारने का काम करते यदि यहाँ पर कोई डमी कैंडिडेट या दल बदलू कोई कैंडिडेट आता तो। वीरेंद्र सिंह देने को दें, जब लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है उसके अंदर हम सफल रहे हैं, विधानसभा तो एक झटका में ले लेंगे, नहीं ले लेंगे वो तो हमने तरीका भाई, वो हमने वो रास्ता पता कर लिया जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पता था। अब उचाणा के धरने के जो लोग हैं इनकी भी उस रास्ता का बेरा पट गया है, टिकट मिला कटा था या कटा कटा था। एक और चर्चा है जिन्होंने निर्दलीय लड़ेंगे वीरेंद्र सिंह, नहीं लड़ लेंगे, हमने क्या मना है,
यो रास्ता पड़ा, कोई लड़ो, लोकतंत्र के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी सबको है, वोट डालने का और खड़े होने का या मतलब इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है, लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब की बार नू देख लियो जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह थी कि हिसार के अंदर हमें इंडिया जो इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था संयुक्त मोर्चा ने, ऐसा कैंडिडेट नहीं होता तो हमारे लिए भी निर्दलीय की स्थिति आती, और यदि वो निर्दलीय लड़ते हैं तो हमें इस बात से कोई समस्या नहीं, हमारा तो जो पूरा समर्थन है वो इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जयप्रकाश बांगर का शेर वीरेंद्र सिंह को कहा जाता था, लेकिन आज के बाद क्या संज्ञा देना चाहेंगे किसान के? हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, एक वक्त आने के बाद शेर की ताकत कम हो जाती है और उसको अपना इलाका छोड़ देना चाहिए, ताकि जो नए शेर आए हैं वो वहाँ पर अपना शासन कर सकें, और यदि शासन नहीं करते तो आपको पता है प्रकृति का एक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वक्त आने के बाद बड़े बरगदों को काट के नए बरगद पैदा हो जाते हैं वहाँ से, तो सीधी सी बात है आज के बाद बांगर का शेर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और बांगर का शेर तो हमारे ऊपर था जो हम लगातार उसका शोषण सह रहे थे, वोट दे रहे थे और उससे रोजगार शिक्षा और सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे, यानी जो हमारे लोग थे ये कह सकते हैं कि ये भोला लोगों का इलाका था, पर जो किसान आंदोलन आया यहां से लोगों ने बोलना सीखा, आवाज़ उठानी शुरू करी, और बांगर का शेर आज जीरो हो चुका है, तो वो बांगर का शेर नहीं है, यहां बांगर के शेर और बहुत पैदा हो चुके हैं। इसमें क्या दो राय है, क्या मतलब किसान सिर्फ लड़ने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया ये वक्त की मांग थी हमारी, पर विधानसभा के अंदर हम चाहते हैं कि 50% जो टिकटें हैं, यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को हराना है तो 50% जो टिकटें हैं वो किसान मजदूर महिला को देनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की मांग है, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ के जो मतलब लगातार जो पार्टी के सपोर्टर हैं उनको ही टिकट दी जाए, ये जो लोग हैं विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं ये वो लोग हैं जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो नहीं निभा रहे, आज ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस हमारी मजबूरी है, ये डम्मी थे, उन्होंने विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभाई, उसकी सही भूमिका किसान मजदूर महिला ने सड़कों के ऊपर निभाने का काम किया, और इसके एवज में यदि कांग्रेस ने आने वाले टाइम में विधानसभा में जीत दर्ज करानी है तो 50% जो टिकटें हैं वो महिला किसान और जो हमारे अन्य जो किसान नेता उनको देने का काम करें, ताकि जो संसद और विधानसभा के अंदर कलम के ऊपर कब्जा किया जा सके, कलम की जो ताकत है वो किसान मजदूर महिला के हाथ में हो, ताकि कानून हमारे हिसाब से बने, हमें बार बार सड़कों पे ना आना पड़े, और ये मैं बार बार कहती हूँ कि लक्ष्मीबाई, राजगुरु, सुखदेव या भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा हर घर से, यदि इस देश को बचाना है, यदि आप ये नहीं कर सकते तो इलाका वाइज एक एक छोटू राम पैदा करना होगा, वो सर छोटू राम पैदा करना तो विधानसभा के अंदर पैदा करना है, और ये बात कांग्रेस को पल्ले बांध लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में यदि उसको पूर्ण समर्थन चाहिए तो किसान मजदूर महिला को अपने साथ लेना होगा, जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली है उसको साथ लेना होगा, जिसकी वजह से आज बहुत सी सीटों पर उनको फायदा मिलने वाला। तो आज लड्डू बांटे गए हैं, ये टिकट कटने की खुशी में है या मिलने की खुशी में? ये दोनों तरफ है, मिलने की खुशी में भी और कटने की खुशी में भी, जिसको जो सा मामला फिट बैठता हो नहीं उसे हिसाब तक खा लो लड्डू। मतलब विजेंद्र की टिकट कटी है उसमें बहुत खुशी है? नहीं, एक बात बताओ, उसने कारनामे इतने करे हैं, हमने खुशी मनाने की कोई जरूरत है? पूरा इशार खुशी मनाने लग रहा है, डम्मी कैंडिडेट दोगे, डम्मी मतलब एक बात बताओ, हमने 4 साल हो गया अड़ा बैठा ने, यदि वो काले कानून पर साइन कर सका है, वो ट्रैक्टर यात्रा कर सका है, तो क्या हम लड्डू भी नहीं बैठ सकते? वह कमें थे नुबले हैं तो अड़ा हलवा खाने के मारे बैठे हैं, हम हलवा खावा ना खावा हम लड्डू खावा है, और लड्डू खाने का टाइम दिया मालिक ने मरता है, क्योंकि उनको था 200 करोड़ में टिकट मिल जाया करें, वह 200 करोड़ भी गए, टिकट भी गई, घर का दो भी, घर का कुत्ता ना घाट कर ना घर का कौन सा नहीं छोड़ा, दो तरह के एक जग के, ये किसके मामले? ये दोनों तरिया के, ये कटने के भी, ये मिलने के भी, ये मिला दिया हमने, मिक्स बनाया दिया, मिक्स ब्रांड बनाया दिया हमने यहाँ।